डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओवुलेशन होता है 14वें दिन। तो ये ऑप्शन है एट द मिड सेकेंडरी फेज, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलीफरेटिव फेज और द एंड एट द एंड ऑफ द प्रोलीफरेटिव फेज। तो आप कहेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोलीफरेटिव फेज। तो ये जो है चौथा इसका आंसर हो जाएगा डी, एट द एंड ऑफ प्रोलीफरेटिव फेज। प्रोलीफरेटिव फेज के बाद ही सेक्रेटरी फेज आती है, जिसमें 14वें दिन के बाद जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन शुरू हो जाता है। सो दूसरा क्वेश्चन देखिए, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ओव्यूलेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो आपको पता है कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करने लगता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन थ्री है, इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन द मेमेलियन एग इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। तो ओव्यूलेशन के बाद कोरोना रेडिएटा नाम की एक मेम्ब्रेन कवरिंग आ जाती है, और जो बिना मेम्ब्रेन वाली कवरिंग है उसको जाना पेलिशुडा कहते हैं। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे तो ये कोरोना रेडिएटा लेयर आ जाती है, जो कि ओव्यूलेशन के तुरंत बाद एक मेम्ब्रेनस लेयर रहती है। इसके बाद आप बात करें क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच्ड विद द टाइम पीरियड इन ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रिलीज ऑफ एग फिफ्थ डे लिखा गलत है, ये 14वें दिन होता है। एंडोमेट्रियम रीजनरेशन 5 to 10 डे, ये सही आंसर है, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो पूरी लाइन झड़ चुकी है सेक्रेटरी फेज में, उसका फिर से बनना शुरू हो जाता है 5 से 10वें दिन, जिसमें कि फिर वो फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपरेशन करती है। तो बी आंसर इसका सही है, एंडोमेट्रियम रीजनरेशन 5 to 10 डे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इफ मेमेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज, यदि मेमेलियन ओव्यूल जो है वो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होगी, कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेटेड, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन रैपिडली डिक्लाइन, एस्ट्रोजन सेक्रेशन इंक्रीज, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग। तो इसमें आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जो सेक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल तो डिक्लाइन हो गई, लेकिन अनलाइकली पूछ रहे हैं, ये ध्यान देना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, अनलाइकली। तो आप आंसर देंगे कि इसमें एस्ट्रोजन सेक्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा, ये गलत बता रहे हैं, एस्ट्रोजन सेक्रेशन जो है वो डिक्रीज रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ए ह्यूमन फीमेल मेनोपॉज अवस्था में कब पहुंचती है? 50 ईयर इसका सही आंसर है, 50 साल में, 48 से 50 साल में मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है, रिएक्शन ऑफ ग्रेन्यूल कंटेंट विच हार्डन द जोना पेलिशुडा एंड इंस्पायर्स योर ब्लॉकिंग ऑफ पॉलीस्पर्म। एक स्पर्म के बाद दूसरा स्पर्म एंटर नहीं हो सकता, तो वो किस तरह की लेयर रहती है? तो वो लेयर रहती है आपकी, इसको बोलते हैं हम कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन यानी जो स्पर्म एक एंटर हो जाता है, उसके बाद ओव्यूल के ऊपर एक हार्ड कवरिंग आ जाती है, इसे ही हम कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं, ताकि कोई दूसरा ओव्यूल स्पर्म उसके अंदर एंटर ना कर सके। क्वेश्चन नंबर आठ है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्रोसोम वाला रीजन जो है वो ओवम के पेनिट्रेशन में मदद करता है। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम जिसमें पाया जाता है, हाइलुरोनिडेज है, स्पर्म लाइसिन है, तो एक्रोसोम उसका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन, इन ऊसाइड सेकेंडरी मैचुरेशन होकर, ऊसाइड एग की बात हो रही है, तो सेकेंडरी मैचुरेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होगा, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही कह सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी मैचुरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर टेन, बिसाइड एक्टिवेटिंग द एग अनदर रोल ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म में डीएनए पाया जाता है, जो कि ओवा के डीएनए के साथ मिलकर जायगोट बनाता है, तो इसका आंसर डीएनए हो जाएगा, एक्टिवेशन तो करेगा ही, साथ ही डीएनए भी इंटर करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, ओवम की तैयारी को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, स्पर्मिएशन मतलब पेनिट्रेशन की तैयारी करना, इसको स्पर्मिएशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, तो ये एपिडिडाइम से निकलता हुआ ये पहुंचेगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, तो इसी को स्पर्मिएशन कहते हैं, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाद ये फिर फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल स्पर्मिएशन के बाद।
क्वेश्चन नंबर 13 है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल की बात कर रहे हैं, यानी ये अभी कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा 11 टू 17 डे, क्योंकि 14th डे जो है फर्टिलाइजेशन के लिए ओव्यूलेशन होगा, तो 11 डे से स्टार्ट हो जाएगा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल की जो प्रेजेंस है वो 11 टू 17 डेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म ओकर ड्यू टू। एक्रोसोम में पहला है इट कॉन्टैक्ट विद जोना पेलिशुडा, नो। रिएक्शन विद द यूट्राइन एनवायरमेंट, नो नो नो। ये क्वेश्चन, ये आंसर होगा पहले ही इट्स कॉन्टैक्ट विद जोना पेलिशुडा। तो एक्रोसोम जो है जोना पेलिशुडा के साथ क्रिया करता है, और इस तरह से एक्रोसोम ओबा की जोना पेलिशुडा के द्वारा अंदर एंट्री कर जाता है। इसके बाद फिर उस पर एक लेयर चढ़ जाती है और उसको कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं, और उसके बाद दूसरा कोई स्पर्म एंटर नहीं कर सकता। तो जोनो पेलिशुडा से ही एक्रोसोम रिएक्शन होगी, पहला आंसर सही है, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। तो यहाँ ये देखना पड़ेगा आपको कि इनमें फीमेल वाली कौन कौन सी हैं। तो सेमेनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्ब यूरेथ्रल, ये तो मेल में पाई जाती है। एम्पुला जो रहता है वो फीमेल से रिलेटेड है, एम्पुला स्थमक जंक्शन, तो एम्पुला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है 16, विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉयड किस में रहता है। तो आप देखेंगे जायगोट डिप्लॉयड है, सेकेंडरी यूसाइट, ऊगोनिया हैप्लॉयड रहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ऊगोनिया, दोनों में जो है क्रोमोसोम नंबर 46 रहेंगे। केवल आपका सेकेंडरी यूसाइट जो है वो हमेशा ध्यान रखिए, सेकेंडरी यूसाइट जो है वो कैसा रहता है, सेकेंडरी यूसाइट हैप्लॉयड है, बाकी सब डिप्लॉयड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। देखिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है प्लेसेंटा से, ठीक है, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और क्या क्या आंसर दिए हैं उन्होंने, LH। तो ये हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड, तो आप बताएंगे कि ये प्लेसेंटा के द्वारा प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है, एस्ट्रोजन नहीं निकलता, एस्ट्रोजन और ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा नहीं निकलता, बाकी ये तीनों हार्मोन जो है वो SCG, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये प्लेसेंटा के द्वारा निकलते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, ये LH जो है प्लेसेंटा के द्वारा नहीं निकलता बल्कि पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द वास्ट डिफरेंस रिसीव्ड डक्ट फ्रॉम द सेमेनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। तो वास्ट डिफरेंस यह सेमेनल वेसाइकल से कहाँ पर ओपन होती है, तो ये इजेकुलेटरी डक्ट में जाके ओपन हो जाती है, यहाँ से स्पर्म बाहर आ जाती है। तो आंसर बी इसका हो जाएगा, इजेकुलेटरी डक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरिथ्रली मीटस रेफर टू। यूरिथ्रली मीटस का मतलब क्या है, जैसे यूरिन बाहर आती है उसको यूरिथ्रली मीटस कहते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, सी इसका आंसर हो जाएगा, एक्सटर्नल ओपनिंग, यूरिथ्रल मीटस इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मोरूला जो है वो डेवलपिंग स्टेज है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, तो 16 सेल स्टेज को मोरूला कहते हैं, तो बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्ट्रुला के बीच की अवस्था मोरूला कहलाती है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम। मेम्ब्रेनस कवर हमेशा आप ध्यान रखिए कोरोना रेडिएटा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑड वन है, इसमें फिम्बरी इन्फेंटिबुलम स्थमस है, लेकिन लेबिया माइनोरा जो है वो इसमें मैच नहीं खा रहा, तो लेबिया माइनोरा इसका आंसर हो जाएगा। 23, टेम्परेचर कितना कम चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमेलियन टेस्टिस की बात करें, तो मेमेलियन टेस्टिस में हम देखेंगे सर्टोली सेल्स, सेमिनल सेमिनिफेरस ट्यूबुल और लीडिंग सेल्स, ठीक है, ये जो है सी वाला जो दिख रहा है ये अबाउट मेमेलियन टेस्टिस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल ए बी और डी में है, तो ये तो पाए जाते हैं फीमेल में, है ना, तो टेस्टिस में तो होंगे ही नहीं, तो सी आंसर इसका सही है, सर्टोली सेमिनिफेरस और लीडिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, न्यूट्रिटिव सेल फाउंड, तो ये सर्टोली सेल्स रहती हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। 26, सर्टोली सेल किसके द्वारा रेगुलेटेड होती है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH के द्वारा ये नियंत्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैपट एपिडिडाइमिस, सी ये इसका आंसर है, कैपट एपिडाइमिस बोलते हैं,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन, सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या रहता है? फ्रक्टोज रहता है, एंजाइम भी रहते हैं और कैल्शियम भी रहता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, डी एंजाइम हो जाएगा इसका, क्योंकि सी में इन्होंने पूरा कैल्शियम कहा जबकि कैल्शियम खूब होता है। तो डी आंसर है फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो ऑप्शन पूरे पढ़ लें उसके बाद ही आंसर दें, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोस्टेट ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो, प्रोस्टेट ग्लैंड हमेशा ये सेमिनल वेसाइकल के नीचे स्थित रहती हैं, इनकी स्थिति आप देखेंगे डायग्राम में तो सेमिनल वेसाइकल के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 30, फंक्शन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रेशन रहते हैं वो क्या करते हैं? स्पर्म एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। तो सी इसका आंसर है, स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्म एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 31, लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस, यूट्रस का लोअर एंड जो है वो, इसको सर्विक्स कहा जाता है, यूरेटर के गर्भाशय की जो ओपनिंग है उसे सर्विक्स कहा जाता है। 32 क्वेश्चन, बर्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड, बर्थोलिन ग्लैंड वेजाइना के दोनों तरफ पाए जाते हैं, इसलिए ए इसका आंसर है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द वेजाइना इन ह्यूमन बर्थोलिन ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 33, ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है वो पार्चुरेशन के समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है, जिससे कि बेबी की डिलीवरी आसान होती है पार्चुरेशन के समय। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, कॉज स्ट्रॉन्ग यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, द थर्ड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। तो डिलीवरी के टाइम पे आफ्टर बर्थ का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा है वो भी शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये आप चेक करेंगे प्लेसेंटा का, हाँ डी, प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट, इसको आफ्टर बर्थ भी कहा जाता है, प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट। 35 आफ्टर बर्थ कोलोस्टम जो रिलीज होता है, सबसे फर्स्ट मिल्क जो रहता है उसमें लो फैट होता है और साथ में इसमें पाए जाते हैं प्रोटीन एंटीबॉडी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रोटीन एंटीबॉडी एंड लो फैट। 36 क्वेश्चन, स्पॉट द ऑड वन, इसमें से ऑड ढूंढना है जो मैच नहीं कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो रेटिनोसिस है, एपिडर्मिस है, वास डिफरेंस, इस्थमस नहीं है, इस्थमस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। तो डी इसका आंसर है। 37 देखेंगे, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लड पार्ट ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, ये सेमिनल वेसाइकल के द्वारा निकलने वाला है और प्रोस्टेट के द्वारा निकलने वाला जो सीक्रेशन है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सीमन का फॉर्मेशन करते हैं, फ्लड पोर्शन का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, बल्बो यूजरल ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट, तीनों। यूरिथ्रा के लिए छोड़ दें, यूरिथ्रा कोई ग्लैंड नहीं है, तो ये तीनों बल्बो यूरिथ्रल, सेमिनल और प्रोस्टेट तीनों आ जाएंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इन टू, तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये हैप्लॉयड हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो जाते हैं। 39, हाउ मेनी स्पर्म आर फाउंड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि खुद हैप्लॉयड है तो केवल इससे दो बनेंगे, प्राइमरी होता तो चार बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 हैं, तो एक से चार बन रहे हैं, तो चार से कितने बनेंगे? 16 बनेंगे, ये ध्यान रखें। 16 बनेंगे प्राइमरी से और सेकेंडरी से बनेंगे केवल एक से दो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है अगला, इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, तो प्राइमरी से जब सेकेंडरी बनेगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, प्राइमरी से जब सेकेंडरी बनेगा तो रिडक्शन डिवीजन हो, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रहते हैं और सेकेंडरी में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं 23, इसलिए इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 42, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द सेल इन द मेल गोनेट रिप्रेजेंट हैप्लॉयड सेल, तो हैप्लॉयड सेल में आप देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड सेल है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजा साइटोली सेल इन टू कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, उसको क्या कहते हैं? इसको स्पर्मिएशन कहा जाता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, स्पर्मिएशन। इसके बाद है द प्रिंसिपल टेल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म, तो इसमें 11+2 स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्योंकि 9+2 जो है वो प्रोकैरियोटिक और सम सीली एंड फ्लैजेलम पाया जाता है, जबकि जो ह्यूमन स्पर्म की टेल है वो 11+2 ये स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। 45, एक्रोसोम जो है एक तरह का लाइसोसोम है जिसमें स्पर्म लाइसिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो ओवम को पेनिट्रेट करने का काम करता है। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ स्पर्म, तो एक्चुअल पार्ट तो हेड में ही पाया जाता है क्योंकि उसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं हेड रीजन में। 47,
स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज मोर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ये कहाँ पर होता है? ये होता है एपिडिडाइमिस में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी एपिडिडाइमिस में ही प्राप्त होती है। 48 एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज यूजेनेसिस? तो यूजेनेसिस ह्यूमन फीमेल में कब स्टार्ट हो जाता है? ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। 49 फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म एट विच स्टेज? तो वही फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, फर्स्ट मियोसिस में ही बनेगी, तो ए ऑप्शन सही है। 50 विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी? ओवरी से क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, वेरी गुड। इसके बाद 51 ड्यूरिंग यूजेनेसिस ईच डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस? यूजेनेसिस में हर डिप्लॉयड सेल से एक तो एग बनेगा और तीन पोलर बॉडी, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, वन फंक्शनल एग एंड थ्री पोलर बॉडी। 52 क्वेश्चन इन यूजेनेसिस हैप्लॉयड एग इज फर्टिलाइज बाय स्पर्म? तो ये सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में ही रहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया। लेयर ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड? तो सबसे बार कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा और फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद 54 विच पार्ट ऑफ द ओवरी इज मेमेलियन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड? तो आप देखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम यदि यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो ये आंसर हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, जैसे कि कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। 55 द सेक्स ऑफ द फीटस विल बी डिसाइडेड एट? तो ये फर्टिलाइजेशन के समय मेल गैमेट से डिसाइड होता है, यदि एक्स है तो वो फीमेल चाइल्ड होगा और यदि वाई है तो वो मेल चाइल्ड होगा, तो ए इसका आंसर है। 56 व्हाट इज द अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज एग इन ह्यूमन? क्लीवेज का मतलब क्या होता है? क्या ये माइटोटिक जैसा रहता है? हाँ, आइडेंटिकल टू द नॉर्मल, नहीं, ये माइटोसिस जैसा तो रहता है। इट स्टार्ट व्हाइल द एग इज इन फेलोपियन ट्यूब, तो ये ध्यान रखना, फेलोपियन ट्यूब में जब ये रहेगा एग, उसी समय क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, यानी जायगोट डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। कब? फेलोपियन ट्यूब में, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइज, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 57 क्लीवेज डिफर फ्रॉम माइटोसिस? क्लीवेज में किसी प्रकार की सेल ग्रोथ नहीं होती, तो बी इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रोथ फेज नहीं पाई जाती क्लीवेज में, जबकि माइटोसिस में ग्रोथ फेज होती है। 58 द सॉलिड मास ऑफ 8 to 16 एज, इसको हम मोरूला कहते हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, मोरूला। 59 इम्प्लांटेशन जो है 7वें दिन होता है फर्टिलाइजेशन के, 7वें दिन, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 60 स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लेसेंटा, तो इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा और फीटस के बीच में क्या पाया जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड पाया जाता है। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट ए सीक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा? ह्यूमन प्लेसेंटा से सब कुछ निकलेंगे, प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलेगा, तो ये प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो है वो फीमेल में निकलता है और ये मेमरी ग्लैंड से निकलता है, ना कि प्लेसेंटा के द्वारा। 62 यूरिन टेस्ट, तो इसमें SCG हार्मोन का किया जाता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। 63 इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी द कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का काम करता है ये कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को कुछ समय के लिए बचा के रखता है। इसके बाद 64 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर फर्स्ट? तो सबसे पहले क्या होगा? सेल, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल होगा, तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है द स्ट्रक्चर ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से देखिए सभी कुछ बनता है, किडनी को छोड़कर, नोटोकॉर्ड को छोड़कर, तो ये कॉर्निया इसका आंसर हो जाएगा, कॉर्निया और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड, कॉर्निया एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 66 गैस्ट्रुला इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच? तो गैस्ट्रुला जो है पाई जाती है आपकी वेलास्टोसील स्टेज में, तो इसका आंसर जर्मिनल लेयर फॉर्म, गैस्ट्रुला इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच, गैस्ट्रुला स्टेज में जर्मिनल लेयर बन जाती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 67 इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्टोडर्म जो है लेंस ऑफ द आई नर्वस सिस्टम स्विट ग्लैंड ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, सब कुछ एक्टोडर्म से बनता है। 68 है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, ये फर्स्ट मूवमेंट आप देखेंगे 5th मंथ में स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट मूवमेंट 5वें महीने में स्टार्ट हो जाती है। 69 अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो डिस्टिंक्टेड पसेज, अर्ली एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। आप सोचिए कि ह्यूमन एम्ब्रियो में भी गिल स्लिट्स रहते हैं, मतलब ये फिश लाइक स्ट्रक्चर रहती है। 70 डिलीवरी ऑफ द डेवलप्ड फीटस, इसको हम पार्चुरिशन कहते हैं, ए इसका आंसर है।
तो इस तरह से आपने ये लगभग 70 क्वेश्चन देखे, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।